1931 में मध्य प्रदेश में हुआ था, भानपुरा में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इनके पति हैं, उनका नाम है राजेंद्र यादव। ठीक है बेटा, और इन्होंने कहानियां तो लिखी थी, मैं हार गई यही सच है, तीन निगाहों की एक तस्वीर, आपको देखा झूठ। ठीक है, ये इनकी क्या है, मनु भंडारी की बेटा कहानियां हैं। उसके बाद उपन्यास आपका बंटी, महाभोज स्वामी, एक इंच मुस्कान, जो उन्होंने एक इंच मुस्कान जो लिखी थी, लिखा था उपन्यास, ये राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। राजेंद्र यादव कौन है बेटा, इनके पति हैं। ठीक है, और इनकी जो पटकथाएं है बेटा वो है रजनी, स्वामी, निर्मला तथा दर्पण, ये इनकी पटकथाएं हैं। और इनकी भाषा शैली बेटा सरल है, सहज है और हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, और इसके साथ इन्होंने हिंदी, उर्दू तथा देशज भाषा का भी प्रयोग किया है, और वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है इन्होंने, और भाषा पर पूर्ण अधिकार रखा है। जो ये कहानी लिखी है इन्होंने, ये इन्होंने खुद अपने ऊपर अपनी एक कहानी इन्होंने है लिखी है, यह कहानी एक कहानी यह भी, ये मनु भंडारी की ही कहानी है, जिन्होंने अपना पूरा जन्म जीवन में क्या क्या हुआ वो सब कुछ बताया है बेटा, तो ध्यान से सुनना और समझना। मनु भंडारी बताती है कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ। ठीक है, परंतु जब वे कुछ जानने समझने के योग्य हुए तो तब उन्होंने स्वयं को अजमेर के ब्रह्मपुरी के दो मंजिला मकान में पाया। उनका जन्म तो बेटा मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था, लेकिन जब उनको थोड़ी बहुत समझ आने लगी तो उनको उन्होंने अपने आप को अजमेर में पाया था, दो मंजिला जो दो कमरे का जो मकान है उसमें, दो मंजिला जो दो ऊपर नीचे की जो दो बिल्डिंग है उसमें उसको पाया था, मतलब स्वयं को उसने पाया था। ऊपर वाली मंजिल पर बेटा उसके पापा का ऑफिस था, वहां पर वो कार्य करते थे और नीचे उनकी पूरी फैमिली रहती थी। उसके बाद है लेखिका की माँ अनपढ़ थी, वो कह रही है कि मेरी माँ अनपढ़ थी लेकिन उसने अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठा रखी थी। ठीक है, उनकी माँ, किसकी माँ, मनु भंडारी की माँ। उसके बाद अजमेर में आने से पहले उनके पिता इंदौर में रहते थे, जब वो अजमेर में आए थे तो उनसे पहले उनके जो पिता है वो इंदौर में रहते थे। उनके बाद जहाँ उनकी प्रतिष्ठा थी, सम्मान और नाम था तथा वे कांग्रेस से जुड़कर समाज सुधार के काम करते थे, जहाँ वो इंदौर में रहते थे वहाँ पर इनके पिता की इमेज थी, बहुत अच्छी एक इमेज थी, और कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर उन्होंने समाज सुधार के कार्य किए थे। उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को घर बुलाकर पढ़ाया। वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने अनेक बच्चों को, अनेक विद्यार्थियों को घर बुलाकर उनको पढ़ाया, जो आज बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं। कहते हैं लेखिका कह रही है कि लेखिका के घर में खुशहाली थी, लेकिन लेखिका के पिता बड़े कोमल व संवेदनशील व्यक्ति थे, बल्कि बेहद क्रोधी व अहमवादी थे। आगे चलकर उनके पिता अपने टूटे हुए गुणों व आशाओं के बोझ तले दब गए थे। इंदौर में उन्हें आर्थिक घाटा हुआ था, इंदौर में उनको आर्थिक घाटा हुआ था। उसके बाद वे अजमेर चले आए थे, और यहाँ आने के बाद उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश व अधूरे काम को पूरा करने का कार्य किया। ठीक है, उनको सम्मान तो बहुत मिला, उनको सम्मान तो बहुत मिलता था, लेखिका के पिता को लेकिन धन नहीं मिलता था। जिसे धन नहीं मिलेगा तो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बिगड़ती ही जा रही थी। उसके बाद वो लिखती है लेखिका कि जिसके कारण
हुई थी। बचपन में लेखिका बहुत कमजोर थी, उनका रंग भी बेटा काला था और जो उनकी बहन थी उनका रंग गोरा था। तो पिता हमेशा जो उसकी जो गोरी बहन थी उसको ही प्यार करते थे और जिससे उसके मन में हीन भावना आ गई थी। किसके मन में? बेटा लेखिका के मन में हीन भावना आ गई थी। लेखिका के विचार अपने पिता के विचार से अलग थे, लेकिन फिर भी पिताजी का जो उनका स्वभाव था लेखिका में आने लगा था। इसके विपरीत लेखिका की माता धैर्यशील थी, वह सहनशील नारी थी। ठीक है, लेखिका की जो माता थी वो धैर्यशील थी और सहनशील थी। वे केवल पिताजी द्वारा कष्टों को सहन कर लेती थी, वो जो उनके पिता उनकी माता को जो कष्ट देते थे उनको सहन कर लेती थी और अपने बच्चों की जिद को भी पूरा करती थी। उन्होंने परिवार के सदस्यों से कुछ नहीं लिया बल्कि उम्र भर लेती ही रही। उनकी जो माँ थी परिवार के सदस्य से कुछ नहीं लेती थी बल्कि उनको देती ही रहती थी। बच्चों की सहानुभूति माँ के साथ थी, परंतु माँ त्याग लेखिका का आदर्श नहीं बन सका। लेकिन माँ ने जो त्याग किया था वो आदर्श नहीं बन सका। लेखिका अपने आरंभिक जीवन का परिचय देती हुई कहती है कि अपने पांच भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। पांच भाई बहन थे जिसमें से मनु भंडारी सबसे छोटी थी। उसने अपने भाई बहनों के साथ घर के बड़े आंगन में बाल्यावस्था के सभी खेल खेले। मतलब बचपन में उन्होंने अपने भाई बहनों के साथ अपने आंगन में बहुत सारे खेल खेले, लेकिन उनके सभी खेल घर की सीमाओं में रहकर ही होते थे और जो उनका भाई था वो घर से बाहर भी खेल सकता था। उसके बाद वो पहले किशोर अवस्थाओं को वो गुजारकर युवा अवस्थाओं का श्री गणेश किया गया था कि किशोर अवस्थाओं से गुजरकर वो युवा अवस्था में आ गई थी। काफी समय बीत जाने पर भी लेखिका उनको भुला नहीं सकी। किसको भुला नहीं सकी? अपने मोहल्ले को, ठीक है, अपने भाई बहनों को। उसे इस बात की हैरानी भी हुई कि महाभोज के माध्यम से बहुत वर्षों के बाद अपने दादाजी की यादें सजीव लगने लगी थी। लेखिका कहती है कि उनके परिवार में लड़की का विवाह तब कर दिया जाता है जब लड़की 16 वर्ष की होती है, तो उनके परिवार में उस लड़की की शादी कर दी जाती है। और उनकी बड़ी बहन है सुशीला, उनकी सन 1944 में ईसाइयों में उनकी शादी कर दी गई थी और वह कलकत्ता चली गई थी। दोनों बड़े भाई भी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे। लेखिका को अपने अस्तित्व का पता चला। यही नहीं, पिताजी भी इसका ध्यान रखने लगे थे। पहले तो उनके पिताजी उनका ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन जब उसकी बहन की शादी होगी, भाई पढ़ने के लिए बाहर चले गए, तो लेखिका घर पर रहती थी अपने पिता के साथ, तो उसके पिता उसका ध्यान रखने लग गए थे। उसके बाद वो कहती है लेखिका कि रसोई घर को बढ़ियार खाना कहते तो उनकी प्रतिभा और क्षमता का विकास नहीं हो पाएगा। पिताजी कह रहे हैं, उनका विचार था उसके पिताजी का कि रसोई घर को बढ़ियार खाना कहते थे, इसलिए उन्होंने लेखिका को उससे दूर रखा था। मतलब रसोई घर में उसको नहीं जाने दिया जाता था, दूर रखा जाता था काम से। अब लेखिका को घर में होने वाली विभिन्न दलों की बहस के लिए बैठा लिया जाता था। मतलब कोई भी घर में अगर बहस हो या वैसे कोई हो समाज में वैसे, तो उसको बैठा लिया जाता था। उसके बाद लेखिका कहती है सन 1946-47 के दिनों में देश की युवा शक्ति में काफी जोश उमड़ा। लेखिका भी शीला अग्रवाल की जोशीली बातों से प्रभावित होकर इन कार्यक्रमों में भाग लेने लगी थी। ठीक है, किसी कार्यक्रमों में लेखिका की जहाँ साहित्यिक सीमाओं को बढ़ाया और उनके पिता द्वारा देश की स्थितियों के बारे में चलाए गए कार्यक्रमों में भाग लेने की शक्ति प्रदान की उनके पिता द्वारा। ठीक है, पिता द्वारा देश की स्थितियों के बारे में चलाए गए कार्यक्रम में भाग लेने लगी थी। कौन लेने लगी थी बेटा? मन्नू भंडारी। इस बात को लेकर कभी कभी उनके घर का वातावरण काफी गर्म हो जाता था, लेकिन लेखिका ने अपने पिता के विरोध की भी परवाह नहीं की। ये विरोध जहां तक बढ़
कर लिया था। जब उन दोनों में उनके पिता में और यतिका में विरोध बढ़ गया था तो उसके बाद उन्होंने राजेंद्र यादव से शादी कर ली थी। लेखिका स्वीकार करती है कि उनके पिता यश प्राप्ति को बड़ा महत्व देते थे। उनका कहना था कि मनुष्य को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के लिए कुछ विशेष काम करने चाहिए। ये उनके पिता की सोच थी कि मनुष्य को अपना मान सम्मान यश प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए। उसके बाद वो कहती है कि एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल ने लेखिका के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए घर पर पत्र भेज जाओ, जिसे पढ़कर पिताजी अत्यधिक क्रोधित हो गए। उनका विचार था कि लेखिका उनकी मान मर्यादा को नष्ट कर देगी। जब वो स्कूल में डिसिप्लिन में नहीं थी तो उनके प्रिंसिपल ने उनके घर पर एक पत्र भेज दिया, लेटर भेज दिया, जिसे पढ़कर उसके पिताजी बहुत ही क्रोध में आ गए और कहा कि ये मेरी मान मर्यादा को नष्ट कर देगी। कौन कर देगी? मनु भंडारी। और पिताजी घर से क्रोधित होकर कॉलेज गए थे, लेकिन खुश होकर लौट आए थे। कॉलेज में जाकर पिताजी को पता चला कि वहां सभी लड़कियों तीन लड़कियों के इशारे पर कक्षाएं छोड़कर बाहर आ जाती है। तीन और उन तीन में से एक लेखिका थी। देखो क्या है, कॉलेज में तो गुस्सा करके गए थे लेकिन वापिस लौटे तो वो खुश होकर लौटे थे। जब वो कॉलेज गए तो उनको पता चला कि सभी लड़कियां तीन लड़कियों के इशारे पर कक्षाएं छोड़कर बाहर आ जाती है। उन तीन में से एक लेखिका भी थी। यह समाचार पाकर पिताजी को अपने आप पर गर्व महसूस हुआ। लेखिका भी पिताजी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर हैरान हो गई थी। एक अन्य घटना के बारे में लेखिका और बताती है, कहती है कि आजाद हिंद फौज के मुकदमे को लेकर सभी कॉलेज स्कूल और दुकानें की हड़ताल हो गई थी और बहुत सी दुकानों को पूरा बंद करवाया गया था। सभी हड़ताली विद्यार्थी शाम को नगर के मुख्य चौक पर इकट्ठे हुए, जहां पर पूर्व भाषणबाजी हुई। उधर लेखिका के पिताजी के एक मित्र ने लेखिका के विरुद्ध उनके कान भर दिए थे। लेखिका के विरुद्ध उनके पिता के कान भर दिए थे। उनके अनुसार लेखिका को लड़कों के साथ मिलकर हड़ताल करवाना, नारेबाजी करना अथवा भाषण देना ठीक नहीं है। उसके चले जाने के बाद पिताजी अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने ये निश्चय किया कि वे लेखिका को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। इस बात से बेखबर जब लेखिका रात को घर लौटी तो उसने देखा कि पिताजी के पास अजमेर के सर्वाधिक प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। पिताजी से लेखिका की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने पिताजी को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने लेखिका का भाषण न सुनकर बड़ी गलती की है। यह सब सुनकर पिताजी का गुस्सा शांत हो गया और लेखिका ने भी राहत की सांस ली थी। देखो बेटा, हड़ताल शुरू हुई, ठीक है, और लेखिका लड़कों के साथ हड़ताल में शामिल हुई थी, नारेबाजी करने लगी थी, भाषण देने लगी थी। जो लेखिका के पिता का जो दोस्त था उसने लेखिका के विरुद्ध लेखिका के पिता के कान भर दिए, मतलब कि उल्टी सीधी बातें उसको बता दी कि लेखिका मनु भंडारी का लेखिका का ये काम सही नहीं है कि वो लड़कों के साथ नारेबाजी करे, हड़ताल करे। और ये सुनकर जो लेखिका के पिता थे वो बहुत ही क्रोधित हुए। लेकिन जब शाम को लेखिका लौटी तो वहां पर मशहूर डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे हुए थे। उनके सामने, मतलब लेखिका के पिता के सामने लेखिका की प्रशंसा कर रहे थे कि आपने अपनी बेटी का भाषण नहीं सुना, जो आपने बहुत बड़ी गलती की है। और ये अपनी बेटी की प्रशंसा सुनकर उनके पिता बहुत ही खुश हुए। उनका जो गुस्सा था वो शांत हो गया और लेखिका ने भी राहत की सांस ली थी। आज लेखिका जब उस प्रसंग के बारे में सोचती है तो उनको डॉक्टर अम्बालाल जी का प्यार और बड़प्पन दिखाई देता है। और आज के आज लेखिका जब इस बारे में सोचती है तो उनका डॉक्टर के प्रति बड़प्पन दिखाई देता है। यह भी संभव है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में विशाल भीड़ के मध्य एक लड़की का बिना
कारण रहा होगा। जहां तक पिताजी का प्रश्न है वे अंत विरोधियों के बीच जी रहे थे। एक और तो वे सामाजिक छवि बनाए रखना चाहते थे, दूसरा समाज में अपना विशेष स्थान भी चाहते थे। परंतु पिताजी को यह पता नहीं था कि इन दोनों के बीच टकरावट है। इधर सन 1947 में कॉलेज वालों ने शीला अग्रवाल को यह नोटिस दिया कि वे लड़कियों को भड़काने का काम करके अनुशासन भंग कर रही है। 1947 में कॉलेज वालों ने शीला अग्रवाल को नोटिस दिया कि वो भाषण देकर क्या कर रही है, लड़कियों को अनुशासन भंग कर रही है, लड़कियों का अनुशासन भंग कर रही है। साथ ही तीसरे वर्ष की कक्षाएं भी बंद कर दी गई ताकि लेखिका और उसके साथ की दो एक लड़कियों को कॉलेज में प्रवेश न मिल सके। इस बात को लेकर कॉलेज के बाहर भी काफी हुड़दंग मचा। फलस्वरूप थर्ड ईयर की क्लासें फिर से शुरू हुई, परंतु इस जीत की खुशी 15 अगस्त 1947 की जीत की खुशी के सामने कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, इस लेसन में लेखिका ने अपने जीवन परिचय मतलब जो भी उनके साथ घटनाएं घटी है उन सभी का वर्णन किया है, बताया है अपने स्वभाव के बारे में, अपनी विशेषताओं के बारे में सारा वर्णन किया है। तो ये लेसन बेटा एक बार आप स्वयं भी पढ़ना और समझने की कोशिश करना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।